कोरोना महामारी के इस दौर में समाज को झकझोर देने वाली तरह तरह की किस्से और कहानियां सामने आ रहे हैं, लेकिन कोटा में ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। यहां 29 दिन के एक नवजात शिशु को शहर के जेके लोन अस्पताल में लावारिस हालत में छोड़कर उसके माँ बाप चले गए हैं। माँ जन्म देने के बाद से ही लापता है। पिता 2 दिन पहले पत्नी के नहीं वापस आने पर जिगर के टुकड़े को छोड़कर चला गया है। अब अस्पताल प्रशासन माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उनके नहीं आने पर अस्पताल प्रशासन व बाल कल्याण समिति 12 अप्रैल को जन्मे इस बालक की देखरेख कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक महीने से बिना मां के ये बच्चा जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की कमजोरी और अंदरूनी बीमारी के चलते उसकी हालत नाजुक है। उनका कहना है कि यदि बच्चे को उसकी मां मिल जाए तो उसकी हालत में सुधार आ सकता है, लेकिन अब सभी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये माँ और पिता अपने बच्चे को छोड़कर यूं ही चले गए। पुलिस माता पिता की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इधर बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टा सामने आया है कि माँ और पिता कोरोना काल और लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान थे। बालक की माँ दिव्यांग है, बच्चे को पाल नहीं सकती थी। शायद यही वजह है कि वो अपने नवजात को इस हालत में छोड़कर चले गए। सर, ये जो है बच्चा हमारे यहाँ पे डिलीवर हुआ था और अभी 1 महीना 10 दिन का हो गया है और शुरू से ही हमारी केयर के अंदर है और 1 दिन से इसके परिवार वाले जो है वो फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है और जो है वो संभालने नहीं आ पाए हैं। सर, ये जो मेरे को नहीं पता चल पाया, हमने पुलिस को खबर कर दी है और वो उसको ट्रेस कर रहे हैं, उनको मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो क्यों अभी नहीं आ पा रहे हैं। ये है बच्चा, अभी थोड़ा सा क्रिटिकल फेज में है, बच्चे को ऑक्सीजन चल रही है और एंटीबायोटिक सपोर्ट चल रहा है, बच्चा दूध नहीं पचा पा रहा है, उसको अभी हाथों में सूजन है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस नाम की बीमारी होती है, वो है। अभी माँ अगर साथ में हो तो बच्चे की रिकवरी जल्दी हो सकती है। 1 महीना हो गया भैया इसको यहाँ पे, इसके इसके पिताजी छोड़ के गए थे, उसके बाद से इसको कभी देखने नहीं आया। ये तो नहीं पता कारण का, तो पता नहीं है सर, लेकिन ये जब से यहाँ पे इसकी केयर हम कर रहे हैं, हाँ पूरा समाज, अभी तो माँ के नाम से गुड्डी गुड्डी करते हैं जो भी मतलब। कल रात को मेरे को एक परिचित का फ़ोन आया कि एक बच्चा यहाँ पर बरती है जिसके माता पिता छोड़ कर चले गए हैं और वो निराश्रित अवस्था में यहाँ पर रह रहा है। इस बारे में जब सूचना आई तो मैंने हमारे रोस्टर सदस्य आबिद अब्बा जी से इस संदर्भ में बात की, फिर मैंने चाइल्ड लाइन और जहाँ बच्चे को मैं रखना उनसे बात की, फिर सारी जानकारी करने के बाद मैंने डॉक्टर चेतन की जो यहाँ के इंचार्ज उनसे भी बात की, पंकज जी से बात की, तब ये बात निकल कर आई कि यहाँ बच्चा भर्ती है और उसके माता पिता 3 दिन से चले गए। माँ तो यहाँ पर आई नहीं शुरू से, 1 महीने से माँ नहीं है और बच्चा मात्र 1.25 किलो का है, अभी NICU में भर्ती है, बच्चे की अभी खतरे में जी रहा है। उसके पास नाम नोटेड है, कालू उसके पिता का नाम है, गुड्डी माँ का नाम नोटेड है और पुलिस ने भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी है, पुलिस भी उसकी इंक्वायरी कर रही है, यदि नहीं करेगी तो बाल कल्याण समिति के हमारे रोस्टर सदस्य आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। पिता तो 3 दिन पहले तो यहीं था पर माँ तो 1 महीने से यहाँ आई नहीं, और यदि माँ होती तो निश्चित रूप से बच्चे की हालत रिकवरी में पास होती।